हेलो हेलो हेलो, आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मूंगलेट। इसकी रेसिपी आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी आज शाम 7:30 बजे। ये मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। लवी ने आज जाना था बॉम्बे, तो उसके लिए कुछ बनाना था हैवी सा नाश्ता, जो कि लाइट भी लगे खाते वक्त, लेकिन हो एक्चुअल में हैवी। तो अब जानते हैं लवी का रिव्यू। अमेजिंग, बिना खाए अच्छा वाला तवा अच्छा है। सच्ची में लग रहा है ऑमलेट जैसा। No, it's kind of pancake. मूंगलेट पैनकेक? Yes. मूंग पैनकेक, वैसे इसको मूंगलेट बोलते हैं क्योंकि ये ऑमलेट जैसा फूल जाता है। अब आ गई है मेरी बारी खाने की। ग्रीन चटनी यार होती ना मज़ा आ जाता, बट एनी हाउ मैंने इसमें भी काफ़ी मज़े ले लिए। यार ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है, येट टमी फुल कर देती है। मूंगलेट बनाया था, इतना भारी है क्या था, मैंने छोड़ दिया। अगली बार से थोड़े छोटे बनाऊंगी। लवी निकल पड़ा है अपनी फ्लाइट के लिए, उसने जाना है ब्ला ब्ला पे। वी आर ऑल सेट टू गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस जा रही हूँ, लवी दिल्ली जा रहा है फ्लाइट के लिए। आज मैंने लगाए हैं अपने न्यू शेड्स, बताना कैसे लगे। लवी से कॉन्वर्सेशन करते हुए कि अब हम मिलेंगे एक हफ्ते बाद, यहाँ आ गई है लवी की ब्ला ब्ला। सिलेंडर लगाया हुआ था डिग्गी में और मास्टर डिग्गी नहीं बंद हो रही थी, अब किसी तरह ये लोग चले गए डिग्गी खोल के ही। लवी को सी ऑफ करके मैं चली ऑफिस, वो चला दिल्ली। सैलेड, आलू गोभी, रायता, रोटी और आज मीठे में है बर्फी। इसकी हुई है लड़की। आज लवी है नहीं तो मैं कर रही हूँ अकेले लंच, पैसा अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। आज मीठे में थी बहुत सारी वैरायटी, देखो क्या क्या। हलवा, खोए वाली बर्फी, काजू कतली जैसी दिखने वाली और चना लड्डू। और यहाँ हो गया है लवी का प्लेन टेक ऑफ। ये देखो वहाँ का व्यू। हे गाइस, मैं जा रही हूँ घर वापस। आज मैं फ्रूट नहीं खाऊंगी क्योंकि लविश नहीं है, ड्राइव मैं कर रही हूँ। तो ड्राइव करते करते एक आंटी मेरे साथ होता नहीं है, मुझे फिर गाड़ी रोकनी पड़ेगी और मुझे खाना पड़ेगा। तो कल से मैं अपना फ्रूट रूटीन, स्नैक रूटीन चेंज करूंगी, मॉर्निंग का रखूंगी या थोड़ा सा आफ्टर लंच रखूंगी, कुछ ऐसा करूंगी। तो मिलती हूँ घर। यार आज रियलाइज हो रहा है कि ड्राइव करते करते व्लॉगिंग करना इज डिफिकल्ट, तो आपको एक बंदा साथ जरूर चाहिए। व्लॉगिंग एंड ड्राइविंग, नो नो, डिफिकल्ट है यार। किया किसी तरीके से मैनेज गाड़ी को थोड़ा स्लो चला के, बहुत सुंदर सा सनसेट हो रहा है आप देखो। पहुंचने वाली हूँ मैं घर और मिलने वाली हूँ अपनी प्यारी प्यारी बेटी से। चेरी, वो आज मेरा नाम पुकारते हुए इतनी जोर जोर से चेरी बोल रही थी और बनी सोया हुआ था और उसको उठाने की कोशिश की, भैया उठ जा आराम से। मैंने बना लिया है मेरा मूंगलेट, पर मैंने डाल दिया सॉस, ठीक है। तो क्रिस्पी करने के लिए आलू भुजिया, इसका रोल बना के खाएंगे। आलू भुजिया और कच्चा प्याज डाल के और मजा आ रहा है। ये वाला ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। ये लो, क्या है, क्या खा रहे हो? कोई एग? एग हॉट, आराम से अब खाओ, खाओ। वेरी गुड गाइज, ऑफिस से आके थोड़ा सा मील ली और कीवी को फ़ोन दिया, टॉयज दिए ताकि मैं व्लॉग एडिट कर पाऊँ, तो वो सब किया है। एंड अब करने लगी हूँ मैं डिनर। आज डिनर में थे पुलाव और मैंने रायता बनाया तो वो खा रही हूँ। लवी के बिना सोना सोना लग रहा है, बट एनी हाउ काम के लिए गया है बॉम्बे, तो वो काम खत्म करके फिर आएंगे। और तब तक के लिए आप देखो आगे व्लॉग में होता है क्या। मैं खाना खा रही हूँ और कीवी कर रही है स्टैंपिंग, कैसे करते हैं दिखाओ। वेरी गुड, अरे वाओ, इबीसी गई, वाओ वाओ वाओ।
कीवी ने भी मेरे साथ डिनर किया, डिनर में खाया, उसने भी पुलाव और मैंने भी पुलाव खाया। रेजिस्ट कर रही थी बट मैंने जबरदस्ती खिला ही दिया। कीवी क्या खाएगा? लाइश। ये महारानी को देखो, पता नहीं कब वहां जाके ऐसे बैठ गई, मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों माँ बेटी ने बैठ के टीवी देखा और कीवी के नजरिए थोड़े उसको परेशान कर रहे थे तो मैंने उसके दोनों ब्रेसलेट्स उतारे, उसको रिलैक्स किया। इतनी देर में लग गई थी कीवी को दूध की भूख। दूध पीने मैंने कीवी को बिठाया स्लैब पे और साथ साथ दूध गरम किया और अपने काम किचन के वाइंड अप करे। सब कुछ खाली करना था, रात के लिए गरम पानी करना था, बहुत सारे जो छोटे छोटे काम थे मैंने वो निपटाए। इसके साथ मैंने स्लैब पे बैठ के गेम भी खेली, इसको भी साथ साथ एंटरटेन कर रही थी और अपने काम भी करती जा रही थी। अब मेरे काम हो गए हैं डन, वाइंड अप हो गया है। अब मैं इसको लेके जाती हूँ रूम में, किचन में इसको साथ लेके आना पड़ा क्योंकि अकेले ये रूम में टिक नहीं रही थी। तो अब हम चलते हैं अंदर। गाइज मेरा ना गला खराश हो रही है बहुत ज़्यादा और कीवी को काफ़ी कोल्ड है, तो मैं सोच रही हूँ बेसन का शीरा बना लेती हूँ। मैं भी पी लूँगी, ये भी पी लेगी और थोड़ा सा मे बी कोल्ड कफ में वो हेल्प करता है बेसन का शीरा, तो वो बनाने लगी हूँ। फिर कीवी और मैं मिलके खाएंगे। हमारी पापा से बात हो चुकी है, कीवी के पापा से बात, वो ठीक से पहुँच गए हैं और अब सोने लगे हैं और हम भी सोएंगे शीरा पी के। ओके ओके। कढ़ाई में डालना है देसी घी, घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। अब अच्छे से बेसन को घी में मिक्स करना है और बार बार चलाते रहना है कि ये नीचे लगे ना। जब बेसन का कलर हल्का चेंज हो जाएगा, जब थोड़ा सा ब्राउन टोन में चला जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तब तक के लिए, जब तक कलर चेंज नहीं होता, हमने इसको हिलाते रहना है, चलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। ये बीच में कीवी की आवाज़ें आ रही हैं, वो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती है। इसका कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अब इसको हमने तब तक चलाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो। मैं ऐड करेंगे शुगर, डाल के हमें करना है मिक्स और उसको गाढ़े होने की वेट करना है। कई लोग इलायची भी डालते हैं, केसर भी डालते हैं। ये खा रही है मैडम चीनी, बिखरे हुए हैं बाल, मोड़ लो तेरे, ये दिखाओ। आपको चीनी अच्छी लगती है? ये दिखाओ, चीनी अच्छी लगती है? ये मैं शीरा बना रही हूँ और ये मैम चीनी खा रही हैं और अपनी गेम खेल रही हैं। गाइज वैसे तो देखो थिक हो चुका है, आप इस स्टेज पे भी इसको ले सकते हो, बट मैं थोड़ा सा गाढ़ा और करूंगी, थोड़ा सा बस। सुनो ध्यान, इसमें आप ऐड कर सकते हो केसर। ड्रिंक इज रेडी टू सर्व। अब मैं पी रही हूँ शीरा और अपने कफ को करूंगी दूर। यहाँ केवी भी मांगने लगी तो केवी को भी मैं ट्राई कराऊंगी अभी। देखो यमी यमी। ऐसे कीवी और मेरा तो चलता रहेगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।